हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, झारखंड की जियोग्राफी में से। ठीक है, तो हम उसको देखने वाले हैं, उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं, सारे एमसीक्यूज को देखेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका झारखंड का कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे आप जेपीसी का एग्जाम देते हैं, झारखंड का जैसे सीसीजीएल का एग्जाम देते हैं, झारखंड टीचर का देते हैं, और भी जो झारखंड पुलिस दरोगा जो भी एग्जाम होने वाले हैं, परीक्षा होने वाले हैं, कोई भी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, दो तीन बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी होगी, क्योंकि सारी मेहनत मैंने कर दिया है। तो चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो यहाँ से देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है अपना, है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी स्टोमा 16। ठीक है, स्टडी स्टोमा 16। ठीक है, साथ ही वहाँ आपको न्यूज़पेपर, अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ पे वो भी। साथ में आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बुक आपको चाहिए, चाहे टीचर के एग्जाम की है, चाहे यूपीएससी के एग्जाम, चाहे एनसीईआरटी से लेकर के जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, नोट्स है, वहाँ सारे अपलोडेड है, तो वहाँ सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखिए, झारखंड के प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। साथ ही बायोलॉजी की क्लासेस जो है सो लगभग हो चुकी हैं, वो जो है सिर्फ बचा हुआ ह्यूमन का जो भी सिस्टम है उस पे हमारा बचा हुआ है, तो वो भी हम कुछ दिन में वो खत्म कर देंगे। ठीक है, साथ ही केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस हुई हैं, दो क्लासेस, तो उसके बाद और भी क्लासेस करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी भी करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपके एक एग्जाम की फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी, आप कोई भी एग्जाम दें, मैं उन सभी एग्जाम पे फोकस कर रहा हूँ। आप ये पढ़ने, यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम दें, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा जोर इस पे रहता है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहें, और दोस्तों को, परिवार में, और भी जो है शेयर करें, लोगों को, लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। ठीक है, छोटा नागपुर की जलवायु जो है मुख्यतः किससे प्रभावित है, ये बोला जा रहा है। तो किससे प्रभावित है आपका, हम लोग का वो मानसून है। ठीक है, मानसून, मानसून से अपना जो है जलवायु वो प्रभावित है। ठीक है, मानसून से, मानसून से। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है, तो देखिए, झारखंड की जो जलवायु है निम्नलिखित में से वो किस प्रकार की जलवायु है, तो आप जानते होंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, झारखंड की जलवायु किस तरह की जलवायु है, तो हमारी उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उष्ण मानसूनी प्रकार की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, है ना, ये उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। तो देखिए, झारखंड में जो अधिकांश वर्षा होता है वो किससे होता है, कहाँ से होता है, अपना बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है, वहाँ से जो मानसून निकलती है वहाँ से अपनी वर्षा होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, आपका अरब सागर की खाड़ी से भी, वहाँ से भी मानसून उठती है, लेकिन जो है मैक्सिमम जो उठती है वो उठती है बंगाल की खाड़ी से, तूफान, और वहीं से वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण जो उन्होंने क्लाइमेट को जो है, थॉर्नवेट का जो क्लाइमेट वर्गीकरण था, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो था, उसके अनुसार अगर हम देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो झारखंड का जो मैक्सिमम एरिया है, अधिकांश जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, तो जो क्षेत्र आता है उसको ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपके परीक्षा में तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन है। तो CAW किसने किया था, थॉर्नवेट ने, थॉर्नवेट ने किया था CAW। ठीक है, CAW किसने किया था, थॉर्नवेट ने, चलिए झारखंड के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन जो है, कोपेन के अनुसार अगर हम देखें, तो कोपेन के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो हमें देखना है झारखंड के अंदर कौन सा आता है, है ना, कोपेन के अनुसार CWG और CW जो आता है वो कोपेन के अनुसार आता है, और आपका कोपेन के अनुसार हो गया क्या, CWG। ठीक है, और CW हो गया कोपेन के अनुसार, CWG और CW, और CAW हो गया थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार क्या हो गया, CAW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का, देखिए अब आगे त्रिवार्था, ठीक है, दो तीन साइंटिस्ट याद रख लीजिए, लेकिन कोपेन और आपका वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण मतलब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग झारखंड का जो है सबसे ज़्यादा जो है वो अधिकांश क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, तो CAW, याद रखिए, कोड लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कोपेन वाला क्या था, CWG और आपका CW, है ना, ये कोपेन का था। देखिए, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत किस महीने से मानी जाती है, तो देखिए झारखंड में जो है ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जो है किस महीने से मानी जाती है, तो आप बता सकते हैं ग्रीष्म मतलब जो गर्मी वाला जो मौसम है वो कब से शुरू माना जाता है ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत, तो देखिए मार्च के मिड से माना जाता है कि मार्च के मिड से आपका
मार्च के जो है बीच से मध्य के मतलब करीब 15 मार्च से माना जाता है कि 15 मार्च से लेकर के ये कितना 15 जून तक एक सही जो है अनुमान माना जाता है कि इतना के बीच जो है ग्रीष्म ऋतु वो होता है हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में आपको कौन सा युग्म सुमेलित है या नहीं है, वो सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा सही नहीं है, ग्रीष्मकालीन जो है ये टाउन दिया हुआ है वहाँ के उसके बगल में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये रांची का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, हजारीबाग का लगभग ठीक है, जमशेदपुर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, धनबाद का थोड़ा यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है। देखिए तो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी में जो वर्षा होती है झारखंड में, एक तो देखिए मेन जो होता है अपना वो किससे होता है, मेन जो होता है आपका वो होता है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से लगभग इस जो है वो 80% आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आपका नॉर्वेस्टर से जो होता है उससे आपका वो थोड़ी बहुत वर्षा होती है। ठीक है, नॉर्वेस्टर। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है, देखिए वर्षा ऋतु की बात की जा रही है तो वर्षा ऋतु कब होगी, 15 मार्च से 15 जून जो हो गया वो आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया, समर वाला जो हो गया सीजन हो गया, और आपका जो है वर्षा ऋतु वाला रेनी सीजन जो हो गया वो 15 जून से, मान लीजिए कि 15 जून से, ठीक है 15 जून से आपका कितना 15 जून से 15 अक्टूबर तक, ठीक है 15 जून से 15 अक्टूबर तक जो होता है वो वर्षा ऋतु का सीजन माना जाता है। तो शुरुआत बोल रहा है ना, तो 15 जून जून के मध्य से, ठीक है जून के मध्य से, यहाँ मई के अंत से दिया हुआ है तो आपको जून रह याद रखना है, मई नहीं आंसर में। ठीक है, थोड़ा आंसर में मिस्टेक है। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है, देखिए वर्षा ऋतु कब मैंने क्या बताया था आपका 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में जो है वो क्या होता है चलता है वर्षा ऋतु। ठीक है, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, देखिए ये डाटा थोड़ा सा पुराना है बट आप लगभग याद रख सकते हैं कि यहाँ पे रांची में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। ठीक है, ठीक ठाक, तो 120 to 140 सेंटीमीटर के बीच में आप याद रख सकते हैं। धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, धनबाद में भी जो है लगभग ये इस बीच में होती है वर्षा 140 से 160। थोड़े ये सब डाटा वाला क्वेश्चन जो है छोड़ देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे जिला वाइज में। ठीक है, उतने कठिन क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है ये सब क्वेश्चन करने की, लेकिन याद रख लीजिए कि झारखंड में जो है रांची और हजारीबाग का लगभग लगभग जो चीज़ है ना वो मिलता है। ठीक है, तो आप अगर कोई सा क्वेश्चन आएगा तो साथ में आप कर सकते हैं उसको समझ करके। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है आपका नेत्रहाट में, और सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो यहीं पर पड़ता है। ठीक है, या माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। झारखंड निम्नलिखित में से झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, तो देखिए न्यूनतम वर्षा वाला सबसे कम तो वर्षा देखिए एक तो पलामू में होता है, ये जो है आपका बात सही है। ठीक है, पलामू में, ठीक है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पलामू में, ये डाटा पुराना है थोड़ा सा लेकिन आपको याद रखना है कि पलामू में। ठीक है, पलामू में आपका जो है वो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, मैं आते हैं देखिए नॉर्वेस्टर जिसे चक्रवातीय तूफान कहते हैं उसका उद्भव बंगाल की खाड़ी से, वो जो है बंगाल की खाड़ी से आपका निकलता है, तो वो कौन से महीने में आता है, तो मई जून का जो मंथ है वहाँ पे उस टाइम में आपका चक्रवातीय तूफान देखने को मिलता है। ठीक है, चक्रवातीय तूफान साइक्लोन वाला तूफान जो है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है आपका किस जिले में होती है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हजारीबाग में वर्षा अच्छी खासी होती है, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा देखेंगे तो वो सब हम लोग कुछ कुछ देख लेंगे, करंट अफेयर्स वाला जो सेशन रहेगा ना उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो वैसे आपका हजारीबाग में लगभग वर्षा अच्छी होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, देखिए झारखंड में जो है वर्षा ऋतु में कितना परसेंट, लगभग 80% जो वर्षा हो जाती है वो आपका पूरे वर्ष का जो है वर्षा ऋतु में हो जाता है। ठीक है, बाकी 20% जो है कुछ कुछ गर्मी में होती है और कुछ ठंडी में थोड़ी बहुत। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, देखिए वर्षा ऋतु में करीब करीब अपने यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच जो है वो 150 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। ठीक है, झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है, देखिए मानसून जो होता है झारखंड में आपका वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानसून जो है वो निकल जाता है। ठीक है, मानसून खत्म हो जाएगा फिर वो तो सर्दी घुस जाता है। ठीक है, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से माना जाता है, देखिए शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के बीच में, याद रख लीजिए नवंबर से फरवरी के बीच में या फिर अक्टूबर के जो है लास्ट वीक तक आपका जो है ये शीत ऋतु शुरू हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से झारखंड का सबसे ठंडा स्थान, अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड में नेत्रहाट जो है सबसे ठंडा और सबसे वर्षा वाला स्थान है। शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है, देखिए शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है, शीत ऋतु में आपका टेम्परेचर करीब करीब 10 डिग्री तक पहुंच जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 16 से 18 डिग्री पर मतलब आप पकड़ के चल सकते हैं 15 डिग्री के एवरेज में जो है वो टेम्परेचर रहता है पूरे झारखंड का औसत, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कहीं कहीं लगभग ठीक रहता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? तो देखिए कौन से फसल के लिए होता है, तो रबी फसल के लिए। तो रबी जो होता है क्रॉप के लिए आपका, झंझावातीय जो वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में जो झंझावातीय वर्षा होती है वो आपका रबी फसल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, रबी फसल। निम्नलिखित में से झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता क्या है? तो देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, आसमान साफ रहता है, दिन हल्का थोड़ा सा गर्म रहता है, रात में थोड़ी सी ठंडी रहती है, तो ये बात सही है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? देखिए झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, शीत ऋतु में करीब करीब 10% के आसपास जो है सो आपका 10 से 12% के आसपास ये वर्षा होती है, ठीक है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आपका भूमध्य सागरीय जो चक्रवात आता है उसी से आपका जो है ठंडी में वर्षा होती है, ठीक है। बाकी मानसून से तो हम लोग का वो तो वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा होता है, तो ये बात सही है ना। यहाँ दिसंबर और जनवरी में चक्रवातीय तूफान आता है, ये भी सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड लगभग फरवरी और मार्च के बीच में, ठीक है, फरवरी मार्च के बीच में ये ठंडा खत्म हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। उसको जो डाटा वाला क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा आप होल्ड करिएगा, और इसका मैं जो भी डालूंगा पीडीएफ उसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो पूरे देखिए पूरे झारखंड के एग्जाम के लिए मैं जो है आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीज़ें वो करवा रहा हूँ, ताकि जितने से जितने लोग जो लोग फी को कोचिंग फी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, पैसे का जो है प्रॉब्लम होता है, उन सभी के लिए उन सभी तक पहुँचाइए, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ेंगे, वो लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छी उनकी भी जॉब लगेगी। तो बल आपको इतना कोशिश करना है कि हम अच्छे से अपना 100% दे रहे हैं और वो चीज़ें होती रहेंगी अच्छे से, ठीक है। तो उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ, वो लोग भी इनसे लाभान्वित होंगे और आपको भी वो दुआ देंगे। तो अगेन थैंक यू एवरीवन। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और लोगों तक, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन थैंक यू एवरीवन।